दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अब तो हद ही हो गई है। सर्विस हमने दी, पैसा सामने वाले ने हमें दिया, टीडीएस डिडक्ट करके यानी टैक्स अमाउंट डिडक्ट करके सरकार को जो जमा करना था उसे, लेकिन जो डिडक्टर है उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, टीडीएस जमा नहीं किया सरकार को। अब जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तब सरकार ना ही हमें क्लेम देने के लिए तैयार है, जबकि हमें डिमांड नोटिस भेज कर जो हमसे डिमांड की जा रही है कि जो टैक्स जमा आपके डिडक्टर ने नहीं करवाया, जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया, वो आपको भरना होगा। ये कितना सही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑर्डर दिया गया डिमांड के लिए। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम बताते हैं इस ऑर्डर द्वारा आईटीएटी कोलकाता द्वारा क्या जजमेंट दिया गया है, क्या रिलीफ दी गई है, क्या एसएससी के अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया गया या एसएससी के फेवर में ये ऑर्डर जाने वाला है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं आईटीएटी कोलकाता द्वारा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया। केस का नाम है विशाल पंचोई वर्सेस आईटीओ कोलकाता। आईटीएटी केस नंबर है 764 और 7 नवंबर 2023 को इसका डिसीजन दिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो यहां पर इस केस के अंदर जो एसएससी है यानी विशाल एपलेंट है, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी और उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करी थी जिसके अंदर उन्होंने टीडीएस क्लेम किया था। पहले हम आपको यह बता दें कि विशाल एक कंपनी में, टायर कंपनी में, फेल्को टायर लिमिटेड कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय है, जिनकी सैलरी सालाना के तौर पर 17,40,000 अराउंड है और इनका जो टीडीएस है एम्प्लॉयर द्वारा डिडक्ट किया गया है 3,96,700। जो टीडीएस एरिया क्लेम करने के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ये 16-17 की जब फाइल कर रहे थे, तो उस केस में इनके 26 एस के अंदर वो टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर द्वारा वो टीडीएस सरकार को जमा नहीं किया गया था। यानी उनसे तो टीडीएस ले लिया था, लेकिन एम्प्लॉयर द्वारा, जो डिडक्टर द्वारा, उनको सरकार को जो है वो जमा नहीं किया, जिस वजह से उनके 26 एस के अंदर वो टीडीएस अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उस टीडीएस का क्लेम करते हुए अपनी रिटर्न फाइल कर दी। अब एओ द्वारा इंटीमेशन ऑर्डर भेजा गया जिसके अंदर जो क्रेडिट थी वो डिसअलाउ करी गई थी इस ग्राउंड पे कि उनके डिडक्टर यानी एम्प्लॉयर ने वो सरकार को पैसा जमा ही नहीं करवाया, तो आपको भी क्रेडिट नहीं दी जाएगी। इसी के साथ डिमांड भी रेज करी गई थी 4,00,000 रुपये तक की। यानी क्रेडिट तो आपको दे नहीं रहे, उसके अलावा डिमांड भी आपसे मांग रहे, यानी ये 4,00,000 रुपये, जो 3,00,000 रुपये आपने अपनी इनकम नहीं दिखाई है, 3,96,000, वो भी आपसे टीडीएस, क्योंकि आपके डिडक्टर ने डिपॉजिट नहीं किए, तो वो आपसे यानी इंप्लॉय से यानी विशाल से मांगा जा रहा है थ्रू डिमांड ऑर्डर के। अब विशाल जो एसएससी है वो यहां पर पहुंच गए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, जहां पर उन्होंने अपील करी इस ऑर्डर के अगेंस्ट। लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील द्वारा भी इस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया गया, अपहोल्ड कर दिया गया, यानी जो भी एओ ने ऑर्डर पास किया था उसे ही सही माना और एसएससी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। अब एसएससी के पास और कोई चारा नहीं था, जिस वजह से एसएससी पहुंच गया आईटीएटी कोलकाता में, यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कोलकाता में। उन्होंने अपील कर दी अगेंस्ट द ऑर्डर जो भी पास किया गया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील द्वारा, जिन्होंने अपहोल्ड किया था एओ का ऑर्डर। आईटीएटी ने दोनों की बातों को सुनने के बाद अपना क्या डिसीजन दिया, आइए जानते हैं। आईटीएटी द्वारा यह कहा गया कि अगर एक बार टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है डिडक्टर द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा, तो उस टैक्स को अगर जमा नहीं किया है सरकार को, तो उस केस में आप एसएससी से जो है वो पैसा वसूल नहीं कर सकते, एसएससी से डिमांड नहीं कर सकते। जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उन लोगों के लिए एक डिपार्टमेंट सर्कुलर जारी किया गया था और इस सर्कुलर के अंदर साफ साफ सीबीडीटी द्वारा, बोर्ड द्वारा यह कहा गया कि अगर कोई एसएससी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा या डिडक्टर द्वारा और उसको जमा नहीं करते सरकार को, तो उस केस में उस एसएससी से पैसा वसूल आप नहीं कर सकते, उससे डिमांड रेज नहीं कर सकते।
कि जो टीडीएस उन्होंने ऑलरेडी अपनी इनकम से डिडक्ट कर लिया उसको वापस आप उससे नहीं मांग सकते। तो ये पूरा डिपार्टमेंट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। आइए दो केस का इसके अंदर रेफरेंस दिया गया है, कौन से दो केस है और उसके बाद जो फाइनल जजमेंट दिया गया है आईटीएटी द्वारा वो भी जान लेते हैं। तो आईटीएटी द्वारा दो केस का रेफरेंस इसमें दिया गया, इनक्रेडिबल यूनिक बिल्ड ऑन प्राइवेट लिमिटेड और मुकेश पदमचंद सोगानी का केस का रेफरेंस दिया गया, जिसके अंदर जो जजमेंट दिया गया, जो डिसीजन दिया गया इन दो केसेस के अंदर, वंस द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड बाय द डिडक्टर, तो उस केस में जो लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट को, सरकार को जमा करने की, वो डिडक्टर की होती है, वो आप डिडक्टी पे पास ऑन नहीं कर सकते। इसी के साथ सेक्शन 143(1) के अंदर एक पॉइंट दिया गया है, जिसके अंदर अगर कोई टीडीएस है, कोई टीसीएस है या कोई एडवांस टैक्स पेमेंट है तो उस केस में वो आपकी टैक्स लायबिलिटी के सामने एडजस्ट किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स पेड लिखा हुआ है वहां पर वर्ड, तो पेड का मतलब यानी एडवांस टैक्स जब आप पेड करेंगे तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट होगा, लेकिन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के साथ कहीं पर भी पेड वर्ड लिखा नहीं गया है, यानी जब आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है तब आपकी टैक्स लायबिलिटी में यह चीज अलाउड की जाएगी। और इसी का रेफरेंस देते हुए आईटीएटी ने भी दोनों केसेस के अंदर भी यही डिसीजन दिया गया कि एक बार जब टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है तो उस केस में यह सब्सिक्वेंट कंडीशन नहीं बनती है कि उसे जमा करना भी कंपलसरी है, यानी डिपॉजिट करवाना भी सरकार को कंपलसरी है तभी आपको क्रेडिट अलाउड होगी। अगर डिपॉजिट करवाए या ना करवाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट, आपको टीडीएस क्रेडिट जो एसएससी है जिसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है उन्हें क्रेडिट जरूर मिलेगी। दोस्तों फाइनली इन दोनों केस के अंदर भी डिसीजन यही दिया गया, क्रेडिट अलाउड करी गई और आईटीएटी द्वारा इन दोनों केस का रेफरेंस देते हुए, डिपार्टमेंट सर्कुलर का रेफरेंस देते हुए ये फाइनल डिसीजन दिया कि जो अपील थी वो अलाउड की जाएगी, जो ऑर्डर पास किया गया था एओ द्वारा, कमिश्नर द्वारा, वो सेट असाइड कर दिया गया है और एओ को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया जो क्रेडिट है वो अलाउड की जाए एसएससी को। तो दोस्तों इसको अगर हम समराइज कर रहे हैं तो अगर आपके एम्प्लॉयर द्वारा, आपके डिडक्टर द्वारा अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है लेकिन वो टीडीएस सरकार को जमा नहीं किया है और आपके 26AS के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो उस केस में भी आप अब क्लेम कर सकते हैं। आईटीएटी कोलकाता का ये पूरा जजमेंट है जिसके अंदर अलाउड किया गया है कि डिडक्टी पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, उन्हें क्रेडिट अलाउड किया जाएगा, ना ही कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर जो है उस पर डिमांड रेज कर सकता है। तो इस केस का रेफरेंस आप दे सकते हैं। आइए अब हमारा सजेशन क्या होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब आपको जरूर यह ध्यान रख लेना है कि अगर आपका टीडीएस किसी ने डिडक्ट कर लिया, चाहे वो इंप्लॉयर हो या कोई अदर डिडक्टर हो, तो उस केस में आपको उनसे फॉर्म 16 या फॉर्म 16A जरूर ले लेना है। फॉर्म 16 जो है वो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, वो आप जरूर अपने पास रखें, टीडीएस सर्टिफिकेट की उनसे डिमांड करें और टीडीएस सर्टिफिकेट के बाद आप अपने 26AS के अंदर देखें कि वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप डिडक्टर से जो है कॉन्टेक्ट करिए और उन्हें अपनी रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कहिए, टीडीएस रिटर्न। अगर डिडक्टर नहीं मानता तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ग्रेवियांस भी डाल सकते हैं। इसके बावजूद भी आपका क्लेम अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ये क्लेम ले सकते हैं। क्लेम लेने के बाद अगर डिपार्टमेंट द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर अलाउड कर दिया जाता है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये क्लेम अलाउड नहीं किया जाता और डिमांड रेज कर दी जाती है तो इस केस का रेफरेंस आप दे सकते हैं। इस केस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो इस केस से रेफरेंस इससे जुड़े डिपार्टमेंटल सर्कुलर है वो भी इस केस के अंदर दिया गया है, तो इसको आप रिफर कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस कहीं कट गया है लेकिन आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।